वेलकम बैक ऑल माय फ्रेंड्स, मैं हूँ क्रूपा और आप देख रहे हैं वेल एकेडमी। हम डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की सीरीज में ग्राफ थ्योरी को ऑलरेडी डिस्कशन कर रहे थे। हमने ऑलरेडी बहुत सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिए हैं, जिसमें कि बहुत सारे टाइप ऑफ ग्राफ, फिर ग्राफ के रिलेटेड बहुत सारे प्रॉपर्टीज, डिग्री सीक्वेंस, नंबर ऑफ सिंपल ग्राफ्स। तो अगर आपने अभी तक वो सारे वीडियोज नहीं देखे तो आज ही जाके देख लीजिए और हमारे चैनल वेल एकेडमी को सब्सक्राइब कर दीजिए और ये बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे वीडियोस की रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलती रहे और आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर हो सके। अब हमने ग्राफ में ऑलरेडी वर्टेक्स के ऊपर बहुत सारी चीज़ें देख ली है, वर्टेक्स ये, वर्टेक्स वो, वर्टेक्स यहाँ पे होना चाहिए, वहाँ पे होना चाहिए, इतना होना चाहिए, लेकिन हमने वर्टेक्स और एज को अभी तक अलग अलग रखा है, हमने एज को अभी तक शामिल नहीं किया। जैसे कि अगर हम वर्टेक्स के बारे में बात करें, हम एज के बारे में इतना कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहे, तो आगे हम ऐसे टॉपिक्स देखने वाले हैं जहाँ पे वर्टेक्स और एज दोनों का इक्वल इम्पोर्टेंस होता है हमारे कॉन्सेप्ट में और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हम देखने वाले हैं। तो आप इस सीरीज में हमारे साथ बने रहिएगा। इस वीडियो में हम वर्क और उससे रिलेटेड सारी टर्मिनोलॉजीज देखने वाले हैं, जैसे पाथ, साइकिल, सर्किट। तो स्टार्ट करते हैं वर्क। इसकी डेफिनेशन पहले फॉर्मल डेफिनेशन देख लेते हैं और फिर जैसे हमेशा से हम डेफिनेशन से अपना कंक्लूजन निकालते हैं, वैसे कंक्लूजन निकालेंगे और आगे बढ़ेंगे। वर्क की डेफिनेशन क्या कहती है? इट इज अ सीक्वेंस। तो वर्क एक सीक्वेंस है ग्राफ का, किस तरह से, जैसे कि वर्टेक्स 0, एज 1, वर्टेक्स 1, एज 2, वर्टेक्स 2, ऐसे करके वर्टेक्स k माइनस 1, एज k और वर्टेक्स k ऑफ वर्टाइसेस एंड एजेस। मतलब कि ग्राफ में से वर्टाइसेस और एजेस की एक सीक्वेंस बनाई है। कैसे? जैसे कि 1 से लेके i से लेके k तक की ये जाता है और जो भी वर्टाइसेस एज के आसपास होते हैं वो उसके एंड पॉइंट्स होते हैं। मतलब कि हम वर्टाइसेस से चालू करते हैं, फिर एज, फिर दूसरा वर्टाइस, फिर उस वर्टाइस से बाकी की अगर कोई भी एज हमें मिलती है तो वहां से लेके फिर थर्ड वर्टाइस, ऐसे करते रहते हैं हम ग्राफ में। एक जैसे कि हम चल रहे हैं तो इसको हम बोलेंगे वॉक, ठीक है। और हम जानते हैं जब भी हम चलते हैं तो हम लीजर एकदम आराम से चलते हैं, इतना ज़्यादा मतलब वी डोंट केयर जब भी हम वॉक पे निकलते हैं कि कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, हम रिपीट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो वैसे ही इस डेफिनेशन से ये कंक्लूड होता है, यहाँ पे वर्टेक्स और एज के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा कि वर्टेक्स इतने होने चाहिए, एजेस इतनी होनी चाहिए, यहाँ पे शुरू होना चाहिए, यहाँ पे ख़त्म होना चाहिए। जो वॉक हम जनरल लाइफ में करते हैं वही वॉक हम ग्राफ में भी कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि वॉक में आप वर्टाइसेस एंड एजेस रिपीट कर सकते हैं। जब भी आप देखने निकले कि आपके ग्राफ में कौन कौन से वर्टाइसेस है और एजेस है और आपको बस ऐसे ही देखना है, आपने पूरे ग्राफ में घूमना है, तो हम उसको बोलेंगे वॉक। और जहां पे वर्टाइसेस और एजेस रिपीट हो रहे हैं, क्यों? क्योंकि उसकी डेफिनेशन में हमारे पास कोई ऐसी कंडीशन या तो कोई ऐसी मैथमेटिकल कंडीशन नहीं दी गई है जिससे कि हम किसी भी चीज को रेस्ट्रिक्ट कर सके कि हम कितनी बार किसी वर्टाइसेस को या तो फिर एजेस पे चल रहे हैं, ठीक है। तो एक हम एक वॉक ट्राई करेंगे। यहाँ पे मैंने सारे वर्टाइसेस और एजेस को नंबर कर दिया है। तो हम स्टार्ट करें V1 से, उसके बाद हम लेंगे एज 1, फिर V2, उसके बाद आएगा एज 2, उसके बाद आएगा V3। क्योंकि मैंने एज 2 लिया है तो मुझे उसके एंड पॉइंट्स ही यहाँ पे लिखने पड़ेंगे। अगर मैं V2 से कहीं और जाना चाहती हूँ तो मुझे वो वाली एज लेनी पड़ेगी। जैसे कि V2 से मैं जा रही हूँ V6 पे, तो हमारी हो जाएगी E6 एंड V6। तो हमारा एक डिफरेंट सीक्वेंस स्टार्ट हो गया। V3 से मैं जाना चाहती हूँ V5 पे, तो ले रही हूँ H7, V5, देन E5 एंड V6। V6 से वापस मैं V2 पे जाना चाहती हूँ, तो मेरे पास बहुत सारे रास्ते हैं, मैं किसी भी रास्ते से वापस जा सकती हूँ, कोई हमारे पास रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। आप ऐसे ही समझिए जैसे आप घूमने निकलते हैं, वैसे ही हम ग्राफ में यहाँ पे घूमने निकले हैं। V6 से H6 और हमारा वर्टेक्स हो जाएगा V2। V2 से वापस मुझे मन किया कि वापस मुझे, मैं जहाँ से निकली हूँ मुझे वहाँ पे जाना है, तो वहाँ से कंटिन्यू करेंगे H1 और V1। और आप देख सकते हैं हम कोई भी एज ले रहे हैं तो उसके आसपास के जो दोनों वर्टेक्स है वो उसके एंड पॉइंट होते हैं। जैसे E5 है, E5 तो उसके आसपास V5 और V6 से होने चाहिए, ठीक है। अगर E7 है तो उसके आसपास आपको V3 और V5 ही मिलने चाहिए। तो ये इसके सीक्वेंस को लिखने का एक छोटा सा रूल है या छोटा सा प्रावधान है। तो आप देख सकते हैं कि हम इसमें वर्टेक्स और एजेस हम जितनी भी बार चाहे रिपीट कर सकते हैं, जैसे भी चाहे रिपीट कर सकते हैं। लेकिन अब किसी मैथमेटिशियन ने सोचा कि ये तो फिर टाइम पास जैसी बात होगी कि आप कहीं से भी जा रहे हो तो इसका मतलब क्या है। और ग्राफ में हमें कुछ ढंग का काम करना है, जैसे ग्राफ में हमें किसी एज के ऊपर पहुँचना है या तो फिर किसी वर्टेक्स के ऊपर पहुँचना है,
तो हमारे पास कुछ और एडवांस डेफिनेशन होनी चाहिए कि जिससे हमें एग्जैक्टली पता चले कि हम कहाँ से कैसे जाना है, और हमें ग्राफ का नेचर भी पता चले कि ग्राफ कैसा है, कनेक्टेड है, डिसकनेक्टेड है, एट्सेट्रा। तो उसके लिए एक और डेफिनेशन इंट्रोड्यूस हुई जिसको बोलते हैं ट्रेल, और ट्रेल को डिफाइन किया नो रिपीटेटिव एज। मतलब कि अगर मैं एज वन को एक बार क्रॉस कर चुकी तो मुझे दोबारा मैं वहां पे क्रॉस नहीं कर सकती, तो हमारी ट्रेल नहीं बनेगी। ट्रेल मतलब कि जैसे कि आप जंगल में जा रहे हो, जंगल या तो फिर कोई ऐसा अननोन एरिया होता है, वहां पे ट्रेल बनती है, जहां से आप निकल गए वहां पे आप वापस नहीं जा सकते, आपको ढूंढने पर भी वो चीज वापस नहीं मिलेगी। वो आपका ट्रेल का जनरल डेफिनेशन हो गया, लेकिन उसी वर्ड को यूज करके ग्राफ में हमने क्या डिफाइन किया कि वॉक कर सकते हैं आप, लेकिन एजेस रिपीट नहीं होनी चाहिए। मतलब कि एक बार मैं V1 से V2 पे निकल गई तो वापस मैं V2 से V1 नहीं जा सकती। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये जो फर्स्ट वाला हमने जो वॉक लिया है, ठीक है, वहां पे हम एजेस रिपीट करें, जैसे E1 हमने रिपीट किया है, तो ये हमारा ट्रेल नहीं कहलाएगा। ये जो सेकंड वॉक हमने लिया है V1 से V2 से V6 तक, तो यहाँ पे एजेस सारी एजेस यूनिक है, तो मतलब कि हमारा हो जाएगा ट्रेल। कुछ और ट्रेल्स देखेंगे, जैसे हम V4 से स्टार्ट करना चाहें तो V4 से हम एज 3 लेके V3 पे जाएंगे, V3 से एज 2 लेके हम V2 पे जाएंगे, V2 से एज 6 लेके हम V6 पे जाएंगे, फिर एज 5 लेके हम V5 पे जाएंगे, एज 7 लेके V3 पे भी जा सकते हैं, या तो फिर V5 से हम एज 4 लेके V4 पे भी जा सकते हैं। देखिए हमने V4 से स्टार्ट किया, V4 से V3, V2, V6, V5 से वापस V3 या फिर वापस V4। अब यहाँ पे आने के बाद हम कहीं और नहीं जा सकते क्योंकि हमने ऑलमोस्ट सारी एजेस इंक्लूड कर दी है, जो कि हम V4 से V3 के बीच में जो भी हम V4 उसके रिलेटेड वर्टाइसिस से इंक्लूड कर सकते थे। तो मतलब कि हमारी ट्रेल जो है वो लिमिटेड बनेगी। हो सकता है ट्रेल में आपकी सारी एजेस या तो फिर सारे वर्टाइसिस कवर ना भी हों, लेकिन वॉक में आप पूरे ग्राफ को इकट्ठा कवर कर सकते हैं क्योंकि वॉक में आपके पास कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। और अगर आप वॉक करते हैं और उसमें कोई भी एजेस रिपीट नहीं होती है तो उसको हम बोलेंगे ट्रेल। इससे भी आगे और बहुत सारी डेफिनेशन डिफाइन की गई है, उसको भी हम देखेंगे, और लास्ट में हम सारी जो डेफिनेशन है उसको कंपेयर करेंगे ताकि हमको सारी चीज़ें एक साथ याद रह जाए और कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाए। और हमने ट्रेल डिफाइन किया, तो ट्रेल में हमने देखा कि हम अगर V4 से स्टार्ट करते तो वापस हम V4 पे पहुंच रहे थे पिछले के एग्जांपल में। तो जब भी ऐसा होता है तो उसके लिए एक स्पेसिफिक नेम है, दैट इज सर्किट। सर्किट इज अ क्लोज टेल जहाँ पे स्टार्ट वर्टेक्स इक्वल टू अवर एंड वर्टेक्स। अगर स्टार्टिंग और एंडिंग वर्टेक्स डिफरेंट है तो उसको हम बोल सकते हैं ओपन ट्रेल, लेकिन अगर ट्रेल क्लोज हो जा रही है तो उसके लिए एक स्पेसिफिक नाम है, दैट इज सर्किट। क्यों? क्योंकि इसके रिलेटेड बहुत सारे आगे कॉन्सेप्ट आते हैं सर्किट के रिलेटेड, ठीक है। और हमने देखा है कि ग्राफ में बहुत सारे बार जो चीजें होती है वो क्लोज होती है ग्राफ में, चाहे ग्राफ कम्प्लीटली साइकिल ग्राफ ना हो, लेकिन फिर भी ग्राफ के कुछ जो कंपोनेंट्स होते हैं, कुछ जो सब ग्राफ होते हैं वो क्लोज होते हैं, तो वहां पे ये जो क्लोज वाला कॉन्सेप्ट है वो काम आता है। नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन है पाथ। पाथ को ऑलरेडी हम उसकी ओरिजिनल डेफिनेशन, उसकी फॉर्मल डेफिनेशन को आगे के वीडियोज में देख चुके हैं साइकिल और पाथ की, लेकिन साइकिल और पाथ की वॉक के रिलेटेड भी डेफिनेशन है, उन दोनों का मतलब सेम ही है, लेकिन पाथ और साइकिल को अलग से हमने स्टार्टिंग में डिफाइन किया था, जहाँ पे हमने ग्राफ की कुछ और प्रॉपर्टीज नॉर्मल से प्रॉपर्टी लेके डिफाइन किया था। लेकिन अगर हम वॉक के कॉन्सेप्ट से अगर हम पाथ और साइकिल को डिफाइन करते तो वो समझने में आसान रहता है। तो उसकी दूसरी डेफिनेशन भी देख लेते हैं। यहाँ पे ट्रेल विथ नो रिपीट वर्टाइसिस। अब हमने ट्रेल में एक चीज तो रेस्ट्रिक्ट कर दी थी कि एजेस हमारे रिपीट नहीं होने चाहिए, लेकिन पाथ बोल रहा है कि मेरे को वर्टाइसिस भी रिपीट नहीं होने चाहिए, ठीक है। जो आपने एक वर्टेक्स विजिट किया उसको भी भूल जाओ, उसको दोबारा आपको कभी देखना नहीं है, कभी वापस विजिट नहीं करना है, तो वो आपका हो जाएगा पाथ, या तो फिर इसको आप ओपन पाथ भी बोल सकते हो। और जब पाथ क्लोज हो जाता है, जब उसका स्टार्ट वर्टेक्स और एंड वर्टेक्स सेम हो जाता है, तो उसको हम बोलेंगे साइकिल। साइकिल इज नथिंग बट अ क्लोज्ड पाथ। अगर पाथ को आपने क्लोज कर दिया, जैसे ये आपका हो जाएगा पाथ V1, V2 एंड V3, लेकिन अगर एक एज आपने ये भी इंक्लूड कर दी तो ये आपकी हो जाएगी साइकिल। तो साइकिल में आप समझ सकते हैं कि सिर्फ स्टार्ट और एंड वर्टेक्स ही सिमिलर होते हैं, बाकी सारे वर्टेक्स बीच वाले यूनिक होने चाहिए, वो रिपीट नहीं होने चाहिए। मतलब साइकिल में एजेस रिपीट नहीं होने चाहिए, वर्टेक्स रिपीट नहीं होने चाहिए, एक्सेप्ट स्टार्ट एंड एंड वर्टेक्स उसके सेम होते हैं। ये एक थोड़ा एक्सेप्शन होता है जहाँ पे भी क्लोज्ड पाथ अप्लाई होता है,
ठीक है, एक थोड़ा सा एक्सेप्शन दे देते हैं यहाँ पे, जो हमने नो रिपीट वर्टाइसेस लिखा, लेकिन अगर ये दोनों वर्टिक्स सेम होते हैं तो आप बोलेंगे फिर पाथ की डेफिनेशन फॉलो नहीं हुई। नहीं, ये एक वर्टिक्स को इग्नोर करके बाकी का सारा पाथ ही है ना, तो पाथ की डेफिनेशन फुलफिल होती है इन अ साइकिल। तो जब ऐसे कोई आर्ग्यूमेंट आए, जब भी आपके दिमाग में ये डाउट आए, तो ये इसमें एक एक्सेप्शन हमने साइकिल में रखा है कि उसका स्टार्ट और एंड वर्टेक्स सेम हो सकता है, इससे ये पाथ की कैटेगरी से डाउन नहीं हो जाता, ये पाथ ही रहता है क्योंकि बाकी की प्रॉपर्टीज वो फुलफिल कर ही रहा है। इन बिटवीन जो भी वर्टाइसेस है उसके लिए वो पाथ की सारी प्रॉपर्टी फुलफिल कर रहा है। तो ये हमने चार डेफिनेशन देख ली, अब हम उसको सम अप करेंगे। और हमने देखा कि ये जो एक है वो दूसरे से सुपीरियर है, तो अगर साइकिल आपके ग्राफ में है तो वो पाथ भी है, वो सर्किट भी है, वो ट्रेल भी है और वो एक वॉक भी है। ठीक है, अगर साइकिल आपके पास है तो डेफिनेटली आपके पास पाथ है, पाथ है तो आपके पास ट्रेल भी है। ठीक है, और पाथ की जो ट्रेल है क्योंकि वो साइकिल बना रही है तो आपके पास मतलब सर्किट भी अवेलेबल है, और ट्रेल है तो आपके पास आपके ग्राफ में वॉक भी पॉसिबल है। वॉक हर एक ग्राफ में पॉसिबल है, ट्रेल भी आप ग्राफ में कहीं कहीं पे देख सकते हो, पाथ है जो आप कुछ स्पेसिफिक हिस्से में आप उसको पाथ बना सकते हो। ठीक है, साइकिल भी। तो इसके रिलेटेड एग्जांपल्स और इसके रिलेटेड आगे के कॉन्सेप्ट्स हम आगे के वीडियोस में देखेंगे। फिलहाल हम ये सारे डेफिनेशन को कंक्लूड करेंगे और देखेंगे कि हम इसको साथ में और इजीली कैसे याद रख सकते हैं। यहाँ पे हम प्रॉपर्टी लिख देंगे वर्टेक्स रिपीट, और यहाँ पे हम प्रॉपर्टी लिख देंगे एज रिपीटेशन। और यहाँ पे हम हमारे कुछ कॉन्सेप्ट लिख देंगे वॉक, ट्रेल, सर्किट, पाथ एंड साइकिल। तो हम सारी चीजें इकट्ठा इतनी छोटी सी जगह पे हम याद रख सकते हैं और रिवाइज कर सकते हैं। तो वॉक में हमारे पास कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो वर्टेक्स रिपीट यस, एजेस रिपीट यस अलाउड है, ट्रेल में हमारे पास वर्टेक्स रिपीट अलाउड है, एज रिपीटेशन अलाउड नहीं है, सर्किट में सेम हो जाएगा लेकिन ट्रेल हमारा हो जाएगा ओपन और सर्किट हमारा हो जाएगा क्लोज्ड। ठीक है, ये ओपन और क्लोज दोनों हो सकता है लेकिन जब ट्रेल क्लोज होता है तो वो सर्किट बन जाएगा। तो यहाँ पे ट्रेल की सिमिलर लगेगा कि आप वर्टेक्स रिपीट कर सकते हैं, एज रिपीट नहीं कर सकते। पाथ आपका ओपन और क्लोज दोनों हो सकता है, लेकिन क्योंकि क्लोज को हमने अलग कैटेगरी में रखा है तो हम ओपन पाथ ऐसा समझेंगे यहाँ पे। सिमिलरली यहाँ पे भी हम ओपन ट्रेल की कैरेक्टरिस्टिक समझेंगे, पाथ दैट इज ओपन पाथ, तो वहां पे वर्टेक्स रिपीट नहीं हो सकते और एज भी रिपीट नहीं हो सकती। ठीक है, साइकिल मतलब कि आपका क्लोज्ड स्ट्रक्चर हो गया, एक क्लोज हो गया क्लोज्ड पाथ, तो वहां पे भी वर्टेक्स रिपीट नहीं हो सकते और एजेस रिपीट नहीं हो सकती। और यहाँ पे एक्सेप्शन क्या हो जाएगा कि स्टार्ट वर्टेक्स आपकी एंड वर्टेक्स के बराबर हो सकता है, इससे आपकी पाथ की डेफिनेशन वायलेट नहीं होगी। ठीक है, तो ये इतना छोटा सा टेबल है कि कहाँ पे कौन सी चीजें अलाउड है और कहाँ पे कौन सी चीजें अलाउड नहीं है। तो अब सिर्फ टेबल को याद रखेंगे तो हो जाएगा, और अगर आप लाइन में याद रखते हैं कि वो ट्रेल सर्किट पाथ साइकिल, तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। अगर आप बीच बीच में डेफिनेशन याद करेंगे तो एक याद आएगा और फिर कुछ मिक्सअप हो जाएगा। तो मैं चाहती हूँ कि आप इसको इसी सीरीज में याद रखें, ये 1, 2, 3, 4 एंड 5, और ये टेबल सिर्फ आपको याद रखना है, बड़ी बड़ी डेफिनेशन की भी जरूरत नहीं है। तो आज की वीडियो में हमने देखा ग्राफ में अगर आपको घूमने जाना है कहीं पे, ग्राफ में अगर आपको किसी चीज तक पहुंचना है, अगर आपको कुछ डिफाइन करना है यहाँ से, जैसे आप किसी एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स की ओर जाना है, तो आप कौन कौन सी चीजें यूज कर सकते हो, कौन कौन सी चीजें आपको दिखाई देती है ग्राफ में, तो उसकी सारी मैथमेटिकल डेफिनेशंस हमने देखी, उसकी कंपैरिजन हमने कर ली कि कौन सी चीज में कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई होती है। तो आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा, अगर आया है तो इसको लाइक जरूर कर दीजिए और अपने ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। ये जो सारे कॉन्सेप्ट है वो डायरेक्टली नहीं यूज होते, लेकिन जैसे हमने हर बार डिस्कस किया है कि जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है वो जब आप बड़े ग्राफ देखते हो या तो फिर किसी पर्टिकुलर टाइप के ग्राफ देखते हो तब यूज होते हैं। तो इसके रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट आएंगे वो हम आगे की वीडियोज में देखेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।